बिहार के आरा में इन दिनों जीवन की एक काली धुंध छा गई है। गंगा और सोन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा नजदीक आ चुका है। गंगा का पानी खतरे के स्तर 53.08 मीटर को पार करके 53.20 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि खतरे के लाल निशान से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बाढ़ ने इलाके की जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग पानी के उफान के कारण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह से कट चुके हैं। आवागमन की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ता जा रहा है। गंगा के रौद्र रूप ने गांव में भीषण कटाव शुरू कर दिया है। पिपरपाती, अचरज राय के टोला, मनी राय के टोला और केवटिया जैसे गांव इस कटाव से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आरा सदर प्रखंड के मणि राय टोला में गंगा की इस विनाशकारी शक्ति ने जमीन और पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है। ये कटाव गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और यहां की बसावट और खेती लायक जमीन गंगा में समाहित हो रही है। ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। वो अपने घर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। लाखों की संपत्ति गंगा की लहरों में समा रही है और गांव का संपर्क मार्ग आधा गंगा में विलीन हो चुका है। यदि ये कटाव जारी रहा तो सैकड़ों घर कुछ ही दिनों में गंगा में समा जाएंगे। इसी बीच समाज सेवी रघुपति यादव ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बताया कि कई परिवार जैसे रामधार पांडे, हृदयानंद पांडे, बीरेंद्र सिंह, विष्णु सिंह, अलक सिंह, श्रीनिवास पांडे और शशि सिंह अपने घर को खोने के कगार पर हैं। प्रशासन की राहत कार्यों को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि गंगा का विकराल रूप सैकड़ों बोरे मिट्टी को भी निगल रहा है। यहाँ पक्के बांध की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही है, यहाँ के जो ग्रामीण बता रहे हैं एकदम 100% सही है। ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के अचरज राज का टोला है, जो कटाव पूरे इलाके यहाँ पर सलेमपुर हो, केवटिया हो, पिपरपाती हो, तमाम जगह पर ये चीज़ हो रहा है, लेकिन सरकार का अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा कोई पहल यहाँ पर नहीं किया, ये सच्चाई है। यहाँ लूट घसूट किया जा रहा है। ये आज ही नहीं, जब जब बाढ़ आता है हमेशा ये सदियों से काम होते जा रहा है। इस क्षेत्र को लोगों को ठगा जा रहा है, सिर्फ से बाढ़ के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। बालू भर के बोरा में डालने से वो रुकने वाला थोड़ी है। अरे अगर आपको करना ही है विधायक जी, चाहे सरकार, आपसे आग्रह करते हैं कि जो जब बाढ़ कम हो जाता है, पानी कम हो जाती है, तब आप इसके फेरा में क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं इसको नोटिस। हालांकि जिला प्रशासन ने तत्कालिक उपायों की पहल की है, लेकिन प्रभावित लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। बड़हरा और शाहपुर प्रखंडों में बाढ़ की मार झेल रहे लोग कहते हैं कि सरकार और प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि के कारण गांव की सड़कों पर पानी बह रहा है और भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं की भारी कमी है। हाँ जी, क्या दिक्कत हो रहा है? किस दिक्कत है? कटाव से दिक्कत, हर चीज का दिक्कत हो रहा है, हर चीज का दिक्कत है। इसमें कहने का लायक नहीं है जो कोई चीज का दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का खेती बाड़ी का दिक्कत हो रहा है, रहने का दिक्कत हो रहा है घर में। कितने दिनों से ये समस्या? समस्या तो मान लीजिए कि हम लोग का भी 40-45 का उम्र हो गया, इतना दिन से हम लोग देते आ रहे हैं, पहले से भी ऐसा होते जा रहा है। आज 5 साल से ये बोरी चाइनीज खाली भरा रहा है, अब पते नहीं लगता है जो बोरी कहाँ गया। इसमें तो और सरकार का लूट पटार हो रहा है। काम सिर्फ पैसे के लिए, कमाने के लिए? कमाने के लिए हो रहा है, कमाने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो पक्का बांध बना जाए, उससे गांव भी स्वच्छ रहेगा और कटाव भी स्वच्छ रहेगा। हाँ, मान लीजिए इस तरीके से काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में क्या समस्या होगा? समस्या होगा जब पूरा माने गांव ढह जाएगा, खेती बाड़ी पूरा ढह जाएगा। ग्रामीणों की गुहार है कि उन्हें तत्काल नाव की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपने आवश्यक सामानों को सुरक्षित स्थानों पर कर सकें और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से सामान्य दिशा में ले जा सकें। कहा जाता है कि सैकड़ों बीघा खेत आप लोग का विलीन हो गया। हाँ हाँ, विलीन हो गया है। आज भी थोड़ा बहुत ढहता है। गांव में कम लगता है। आप देखिए बगल में गांव है, गांव ढहने वाला है। पूरा रास्ता कट गया है, पूरा रोड कट गया है। गांव में घुस गए। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट।